what is visual manipulation? So we will going to discuss obesity and shaping management by visual manipulation. Then what is visual manipulation? Visera related to internal organ, jitna bhi internal organ hai, it's a visera. And organ specific facial mobilization, organ kabhi around mein aap dekhenge fascia hai, jaise uske andar mein peritoneum hai, waise har organ ko cover kiya gaya. Theek hai, aap agar ek dekhte hain, एक देखते हैं, एक का जब नॉर्मल कभी अगर वो देखेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर है, या एक का अंदर से भी एक स्ट्रक्चर निकलता है, दैट्स अ फॉशा है. एक जब निकलते देखेंगे एक वाइट जैसा, दैट्स अ फॉशा, तो वो सेव करता है. यूज बॉडीज एबिलिटी टू रिलीज द रेस्ट्रिक्शन एंड कंपनसेशन दैट कॉजिंग पेन एंड डिसफंक्शन. जब हम लोग वॉक करते हैं, पेन क्या होता है, हम लोग दो चीज देखे, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के लिए पेन हो रहा है, कोई कंप्रेशन है, दैट्स व्हाई पेन आपका अराइज हो रहा है. एंड कभी कभी आप देखेंगे जो लीवर का प्रॉब्लम है, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं केमिकल इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन में है, अगर केमिकल पेन हो रहा है, कोई ऑर्गन इफेक्टेड है, ऑर्गन डिसफंक्शन है, तो उसके कारण केमिकल पेन कंटिन्यूस होगा. तो इसका मतलब केमिकल पेन होगा तो वही मेडिसिन चलेगा, हम लोग काम नहीं कर सकते. बट हम लोग और भी क्लेवर है, देन वी आर स्टार्टिंग विजुअल मैनिपुलेशन. तो उसमें क्या है, विजुअल मैनिपुलेशन ट्राइज टू फील फॉर ऑल्टर्ड और डिक्रीज मोशन विद द विजेरा रेस्ट्रिक्टेड पैटर्न. मान लो आपका लीवर, फैटी लीवर हो गया, तो लीवर का भी मूवमेंट है, 4 सेंटीमीटर मूवमेंट करते हैं. अगर वो मूवमेंट करना बंद कर, हर जॉइंट जैसे मूवमेंट करते हैं, देन मसल्स इफेक्ट होता है. ओके, देन इफ योर लीवर नॉट वॉकिंग एंड नॉट मूविंग, होता है ना, कभी लीवर इन्लार्जमेंट हुआ, कभी फैटी लीवर हुआ, अदरवाइज लीवर का डिसफंक्शन हुआ, देन और मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है जो रिब केज आपका टाइट है, यू नो रिब केज का इमोबिलाइजेशन है, प्रॉपर मोबिलाइज नहीं है, तो उसमें क्या दबा दिया आपका, वो कंप्रेस कर दिया लीवर को, देन लीवर नॉट मूविंग प्रॉपरली. मैक्सिमम जो COPD पेशेंट जो है एंड वो सफरिंग, यू नो द AZPT, AZOT हाई है, फैटी लीवर है, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट आएंगे, देन उसका देखेंगे वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, उसके कारण पेन है. गॉट इट? द फिन वो पेन क्या होगा, इंडिकेट करेगा यहां से इधर में आ रहा है. अगर कंप्रेशन होगा तो क्या, इधर से इधर में जाता है. ओके, एंड फॉर वो इधर से ऑपोजिट में आता है. एंड दिस थेरेपी यूज टू बॉडी एबिलिटी टू अडेप्ट एंड रिस्टोर इट सेल्फ टू हेल्थ. आप जब उसका नॉर्मल मूवमेंट करेंगे, वो मैनुअल थेरेपिस्ट, हम लोगों का काम क्या है, हम लोग उसका नॉर्मल मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं. जब नॉर्मल मूवमेंट को हम लोग एनहेंस करेंगे, नेचर ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेता है. ऑल एवरीथिंग डिपेंड ऑन नेचर. आपका बॉडी का इतना कैपेसिटी है जो खुद हील करने का क्षमता है. And basically, I implement this for purpose of visual manipulation and obesity management. Obesity patient with fatty liver due to irregular lifestyle and food habits. Got it? Core muscles imbalance, viscera also affected and immobilized. अगर core muscles weak है, तो उसके साथ साथ viscera जो है, आपका जो आसपास का जो भी organs है, that not moving properly. ओके, देन ऑर्गन डिसफंक्शन कैन ऑल्सो इफेक्ट कोर मसल्स, इम्बैलेंस मे इफेक्ट ऑल्सो स्पाइन अलाइनमेंट. ऑर्गन अगर किसी का फैटी लीवर है तो वो अगर मूवमेंट नहीं करता है, तो उसको तो उसके आसपास में विजरा है, फॉशा है, तो फॉशा रिलेटेड विद मसल्स, तो वो फिर मसल्स का रेस्ट्रिक्शन करेगा, मसल्स का मूवमेंट नहीं करने देगा, देन इट्स इफेक्ट ऑन योर पॉस्चर ऑल्सो. देन कोर मसल्स इम्बैलेंस में इफेक्ट एंड ऑल्सो स्पाइन अलाइनमेंट, ऑल्सो इंक्रीज एब्डोमिनल फैट डिपोजिशन, तो उसको डिपोजिट करने के लिए फिर वहां फैट का डिपोजिशन बढ़ाते हैं. इम्प्रॉपर स्ट्रक्चर कैन इफेक्ट ऑन विजेरा. और स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर नहीं है आपका, स्काइफोसिस है या आपका लॉर्डोसिस है, कुछ भी नहीं है, दैट कैन इफेक्ट ऑल्सो योर विजेरा, जो मूवमेंट नहीं करने देता है. विजुअल डिसफंक्शन कैन इफेक्ट मसल्स इम्बैलेंस और बोथ. मसल्स इम्बैलेंस भी कर सकता है और बोथ भी हो सकता है.
endocrine gland secrete many important hormones, we can more many benefited to increase or decrease or control hormone and aim to decrease dose of the medication. Also obesity management, metabolic disease. अभी metabolic disease है, मान लो diabetes है, तो diabetes में pancreas से beta cells आपका insulin secrete नहीं हो रहा है. If we move the pancreas and उसका mobilization करेंगे तो वो क्या होगा, वो detoxification होगा और फिर वो isolate beta cells से आपका insulin secretion होने लगेगा. तो मेरा इंसुलिन का डोज कम हुआ ना, एंड इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, डोज जब कम होगा आपका वेट लॉस होगा, क्योंकि कुछ कुछ मेडिसिन वो उसके लिए चलता है जिसके कारण वेट गेन होता है. थ्रू विजरल ट्रीटमेंट वी कैन ट्रीट हार्मोनल इम्बैलेंस कॉजेज ओबेसिटी और वाइस वर्सा. कुछ कुछ हार्मोनल फैटी लीवर आते हैं, ठीक है, हम लोग के पास बहुत पेशेंट है जो मेडिसिन खाते खाते बोर हो गया है, देन आने के बाद वी और क्या एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिए, जो टमी का ट्रीटमेंट करे उसके साथ साथ विजुअल मैनिपुलेशन किए वंस इन अ वीक, तो उनका फैटी लीवर खत्म हो गया. इट्स अमेजिंग. यू कैन कंट्रोल द केमिकल कंपोनेंट ऑल्सो. एजीपीटी एसजीओटी हाई है तो आप अगर उसको प्रॉपर मूवमेंट करते हो तो फिर अंदर का मसल्स वो उसको जो सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, फिर वो मूवमेंट कर सकते हैं. काम आपका टारगेट है डोज को कैसे कम करें, ठीक है, एंड रिक्रिएट हार्मोनाइज इंक्रीज द प्रोप्रियोसेप्टिव कम्युनिकेशन इन द बॉडी, एक के साथ एक कनेक्शन है, एंड टू एनहांस इट्स इंटरनल मैकेनिज्म फॉर ऑप्टिमम हेल्थ. एज वी नो इफ कंटिन्यूअस पेन ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ विजरल डिसफंक्शन, देन पेन कैन ऑरिजिनेट फ्रॉम विजरल टू स्ट्रक्चर. इफ एनी वर्टीब्रल नर्व कंप्रेशन कैन ऑरिजिनेट टू vertebrae towards viscera or nerve supply to the muscles. अगर structure का problem है, nerve compression है, मान लो T12 वो जो भी nerve का compression है, वो nerve जो जो muscles को control आपको control करते हैं वो muscles के ऊपर effect आएगा. And viscera also, मान लो viscera में supply आए तो viscera में आपका जो vertebrae है वो vertebrae से आपका neural component जाके viscera को supply दिया, blood supply दिया. तो ये जब ब्लड सप्लाई दिया तो अगर नर्व कंप्रेशन होगा तो वो इफेक्ट होगा, जैसे विजरा अगर इफेक्ट होगा देन नर्व स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा. स्पाइन का प्रॉब्लम है, लो बैक पेन है, लो बैक पेन आप जितना भी ट्रीटमेंट कर चुके हैं बट आप देखे नहीं जो उसका लीवर इम्यूबलाइज्ड है, उसका मोशन क्लियर नहीं है, यू नो एसिड नहीं क्लियर, कोलोन नॉट क्लियर, ट्रांसवर्स कोलोन नॉट क्लियर, डिसेंडिंग कोलोन नॉट क्लियर, सिग्मॉइड कोलोन नॉट क्लियर. तो अगर ये क्लियर नहीं होगा, इतना अगर स्टूल अंदर रहेगा, गैस फॉर्मेशन करेगा डे बाई डे, तो वो तो क्रिएट करेगा ना, मसल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा. एंड असिस्ट द यूजिंग सेल्फ हीलिंग फोर्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर. आप उसको नॉर्मल मूवमेंट अगर करोगे तो नेचर अपने हिसाब से ले लेगा. गॉट इट. कॉजेज ऑर्गन डिसफंक्शन एंड पेन. Organ move during breathing, walking, exercising and motion transmitted to other structure through fascia. Trauma, surgery, sedentary lifestyle, infection, pollution, bad diet, okay, poor posture, pregnancy may lead to loses the mobility of the organ. अब हर दिन पेस्ट्री खा रहे हो तो पेस्ट्री आपका असर दिखा रहा है, नॉन पेनिटोनियम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा. ओके, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स मिल्टन है, वो डिनर के साथ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो एक दिन मिल्टन का क्या होगा, सामने झुक जाएगा, ऑर्गन डिसफंक्शन होगा, क्योंकि स्टमक धीरे धीरे जो है वो टाइट हो जाएगा. जो इसोफेगस जो है वो क्या, वो डिसफंक्शन नहीं करेगा एंड स्प्रिंक्टर बिकम टाइट. ओके, और उसके कारण फिर रेस्ट ऑफ द मसल्स पकड़ लिया, टाइट 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 लग गया. If organ is not freely mobile, it may be fixed to other structure. As a result, body forced to compensate. So, body का और जो area है, वो में भी compensate कर सकता है. This dysfunction create abnormal tension area and chronic irritation lead to the functional and structural problem. तो functional structural problem हो सकता है. It's the indication of visual manipulation. You can see बाद में. It's a contraindication. देखो मेन इंपॉर्टेंस इज लीवर, तो लीवर का जो मूवमेंट्स है
48 सेंटीमीटर फ्रॉम मिड लाइन, 6-12 सेंटीमीटर आपका मिड क्लाविकुलर लाइन। तो ये जो आपका लाइनिंग है, ये लाइन से ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करता है। अगर इधर में मान लो ये नीचे आ गया तो आपका टमी निकल आएगा, इट्स नॉर्मल थिंग्स। टमी के साथ साथ ये जो बैक फ्लैप्स है, लेडीज लव ऑल, ये जो फ्लैप्स है, ये फ्लैप्स ड्यू टू लीवर का डिसफंक्शन के लिए होगा। जो जो लीवर पेशेंट है आप देखोगे उन लोगों का इतना सा फ्लैप है। हम लोग मैक्सिमम देखेंगे जो एंटीरियर टिल्ड और जिन लोगों का लो बैक पेन है, तो उसमें क्या होता है, डीप एक्सटेंसर जो मसल्स है, सॉस मसल्स, हु आर फिजियोथेरेपिस्ट, दे ऑलरेडी वर्कड ऑन सॉस मसल्स फॉर यू नो डिक्रीज पी सॉस मसल्स, वो सॉस नहीं पी सॉस मसल्स, हम लोग बोलते हैं स्क्वायर्स मसल। तो इट्स अ डीप एक्सटेंसर मसल्स। आपका क्या होता है, पी सॉस मसल्स ऑरिजिन जो आपका है ये T2 से L1 तक है, इट्स अ डेमार्केशन लाइन, ओके। एंड आपका इंसर्शन जो है आपका पेक्टिनियल एमिनेंस इलियम, पेक्टिनियल जो आपका मसल्स है एंड इलियम एक्यूरेट लाइन। एंड इसके ये जो मिड का तरीका लंबर प्लेक्सस न्यूरल जो जहाँ से आपका आता है, फिर L1 L2 एंड ऑल्सो फ्लेक्सिस द पेल्विस, पेल्विस को ये कंट्रोल करता है। एंड पेल्विस अगर एंटीरियर टिल होगा तो क्या होगा, एंटीरियर टिल होने से फिर फ्रॉन्ट आएंगे, गॉट इट। तो ये सॉस मसल्स को हम लोग रिलीज करेंगे तो टमी 5 सेंटीमीटर घुस जाएगा अंदर तुरंत, दिखाएंगे कैसे रिलीज होता है। एंड रेस्ट ऑफ द मसल्स इज इलियकस, यू नो द इलियकस मसल जो ओबेसिटी मैनेजमेंट में हम लोगों का दरकार है, टमी रिडक्शन इफेक्टिव ट्रीटमेंट करेंगे बट इज इफेक्टिव। एंड ईच एंड एवरी मसल्स के साथ, मैं बोला जो मायोफेशिया जो चेन है, एक मसल्स के साथ एक मसल्स का कनेक्शन है, नेटवर्क है, ठीक है। तो आपको ट्रीटमेंट भी करना है उसी के हिसाब से।